आगरा में कोरोना संक्रमण और वायरल बुखार के लक्षण इस समय एक जैसे हैं। मरीजों को सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार की शिकायत आ रही है। 5 से 7 दिन में मरीज ठीक भी हो जा रहे हैं। चिकित्सकों की सलाह है कि किसी मरीज को सांस लेने में परेशानी हो तो लापरवाही न बरतें, चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार कराएं। आगरा में कोरोना संक्रमण और वायरल बुखार के लक्षण इस समय एक जैसे हैं। मरीजों को सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार की शिकायत आ रही है। 5 से 7 दिन में मरीज ठीक भी हो जा रहे हैं। चिकित्सकों की सलाह है कि किसी मरीज को सांस लेने में परेशानी हो तो लापरवाही ना बरतें, चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार कराएं। ये वही वायरल फीवर है। ये वायरल फीवर की वजह से इसमें यही होता है कि बुखार आएगा, आप दवाई खाएंगे और बुखार तब तक थोड़ी देर के लिए उतर जाएगा। मेन आपको ये करना है कि पानी का सेवन बहुत करना है, रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट लेना है ना। और वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं कि फ़ौरन जैसे बुखार आया हमने एंटीबायोटिक ले ली तो अल्टीमेटली वो बस रेजिस्टेंस डेवलप करती है। तो मेन आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें लेना है, जो है क्या कहते हैं, बुखार है तो बुखार की दवा ले लेनी है, रेस्ट एडिक्वेट लेना है, पानी खूब पीना है। एसएन मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ का कहना है कि अधिकतर मरीजों में कोरोना का ओमिक्रॉन स्वरूप ही मिल रहा है, यह घातक नहीं है। पैरासीटामोल लेने से मरीज ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है आपको। मतलब जो भी है, हमेशा जब भी आप बच्चे को खाना पिलाना शुरू करते हैं तो खुद भी अपना हाथ धोएं, बच्चे का बहुत ध्यान रखें कि बच्चा अपना हाथ धो के फिर खाना खाए। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, बाहर की चीज़ें एकदम अवॉइड करनी है, बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी पिलानी है, घर का बना खाना खिलाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उससे बच्चे आपके थोड़ा बीमारी से बचे रहेंगे। यदि किसी मरीज में निमोनिया की स्थिति होती है तो उसे तत्काल चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस समय वायरल होने या फिर कोरोना की पुष्टि होने पर आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। आजकल मेरे पास जैसे बहुत सारे बच्चे ओपीडी में आ रहे हैं, खांसी जुकाम के साथ आ रहे हैं, बुखार के साथ आ रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं आजकल, ये जो सीज़न है, ये वायरल सीज़न, ये मतलब वायरल बुखार का सीज़न है ये, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या कहते हैं, बाहर की चीज़ों का सेवन कम करना है, घर का बना खाना वगैरह ज़्यादा खिलाना है, ठंडी चीज़ों का सेवन एकदम नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि जो है कि गर्म चीज़ों का सेवन करें। लक्षण दिखने पर ये उपाय करें, बुखार होने पर पैरासीटामोल लें, बुखार फिर भी ना उतरे तो गीली पट्टी रखें, गुनगुने पानी से गरारा कर सकते हैं, ठंडा पानी ना पिएं, पानी गुनगुना करके पी सकते हैं। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।